गोपीजन वल्लभ यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरवन छ यमुना तीरवन छ राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर गोपी जन वल्लभ गिरिवर यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरवन छारी यमुना तीरवन छारी राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरवन छारी यमुना तीरवन छारी राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधावृंदावन चंद्र राधा वृंदावन चंद्र राधे राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे निधाय और हरि बोल हरि बोल जय गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव राम संकीर्तन की जय। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कथामयीं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगण रघुनाथामितं तं श्रीगुरु साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं
श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखामतांश नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु दीर्घतार हरे कृष्ण आप सभी का स्वागत है इस रविवार के भगवद्गीता कक्षा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं दसवें अध्याय से भगवद्गीता के। पिछली बार हम लोग चौथा पांचवा श्लोक देख रहे थे, उसके कुछ गुण हम देख रहे थे, तो उसको ही हम आगे जारी रखेंगे। पहले 10 श्लोक पढ़ते हैं, उसके बाद चर्चा को आरम्भ करेंगे। 10वें अध्याय का पहला श्लोक तो मेरे साथ साथ ही पढ़िए आप म्यूट किए हुए, ताकि हम थोड़ा लाइन में डिले होता है। 10वें स्कंद का 10वें अध्याय का पहला श्लोक। श्री भगवान वाच भूय एव महाबाहो शुण मे परम वच यत्ते हम प्रियमानाय वक्षामि हितकामय नमे विदुसुरगणा प्रभवम न महर्षय अहम आदिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशा यो मामजम् अनादिं च वेत्ति लोक महेश्वरम् असम्मूढ़ समर्थेषु सर्व पापै प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानम असम्मोह क्षमा सत्यम दमश्रम सुखम दुःखम भव भावो भयम चाभ्यमेव च अहिंसा समति तुष्टि स्तपो दानम यशो यश भवन्ति भाव भूतानां मत्त एव पतक्विदा। महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मदभावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजा एतां विभुतं सत्योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वता सो अविकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय अहं सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता मच्चिता मद्गदा प्राणा बोधयन्ता परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सतत्युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं दधामि बुद्धि योगं च येन मामुपयान्ति ते। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। 10वें स्कंद का 10वें अध्याय का चौथा और पांचवा श्लोक हम पढ़ रहे हैं। बुद्धिर्ज्ञानम असम्मोह क्षमा सत्यम दमश्रमा सुखम दुःखम भव भावो भयम चाभ्यम इव च अहिंसा समति तुष्टिस् तपो दानम यशो यश भवन्ति भाव भूताना मत्त एव पृथक विधा। तो पिछली बार हमने चर्चा किया था बुद्धि क्या होती है पिछले सत्र में, फिर ज्ञानम चर्चा किया था, असम्मोह, फिर क्षमा सत्यम और यहां तक हमने चर्चा किया था। तो ये जो भगवान ने 20 गुण बताए हैं इस श्लोकों में, ये गुण भगवान से ही आते हैं और भगवान बता रहे हैं सब कुछ मेरे ही गुण हैं। और जो हम देखते हैं गुण भगवान में जीवों में, ये भगवान से ही आते रहते हैं, ये हमने चर्चा किया था। इसके बाद हमने चर्चा किया था कि सम और दम मतलब इंद्रियों के ऊपर दमन कैसे करना है और मन के ऊपर काबू कैसे करना है। हमने चर्चा किया था कि कैसे मन के ऊपर अगर काबू नहीं करेंगे तो हमारे आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो पाएगी, क्योंकि मन के ऊपर काबू नहीं रहेगा तो हम जो आध्यात्मिक के लिए अनुकूल चीजें हैं वो नहीं कर पाएंगे। और जब तक इंद्रियों और मन के ऊपर काबू नहीं रहेगा तो हम ऐसी चीजें करेंगे जो हमारे आध्यात्मिक के लिए प्रगति के लक्ष्य नहीं है, जो हमारे हम जो आध्यात्मिक चीजें कर रहे हैं उसके लिए हमारे आध्यात्मिक प्रगति और हमारे आध्यात्मिक कार्यों के लिए वो अच्छे नहीं है, ये हमने चर्चा किया था पिछली बार। तो अब हम अगले सारे गुणों को चर्चा करेंगे, मोस्टली आज सारे बाकी के गुण हम चर्चा कर लेंगे, तो अगले सत्र से 6ठा या 7वां श्लोक हम चालू कर सकते हैं।
अगला जो गुण है वो है सुख। यहाँ पे क्या लिखा है, हैप्पीनेस, इंग्लिश में हैप्पीनेस बोलते हैं उसको, और भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं सुखम, सुखम और दुखम। तो इस दुनिया को जो जीव है, भौतिक दुनिया का जो जीव है, ये इस दुनिया के इंद्र तृप्ति में सुख ढूंढने का प्रयत्न करता है, और उसमें वो विफल हो जाता है। कभी भी आप देखेंगे तो इस भौतिक दुनिया में जो भी सुख मिल रहा है बहुत अत्यंतिक टेम्पररी है और वो परमानेंट नहीं है और क्षण के लिए मिलता है ना। जैसे आज कई सारे भक्त आए थे मंदिर में स्नान यात्रा के उपलक्ष्य पे प्रसादम सेवा करने के लिए, और बहुत सारे लोगों ने अभिषेक भी किया। तो हम जब मंदिर में होते हैं तो 2-3 घंटा जो भी होते हैं, तब जो आध्यात्मिक सुख मिलता है वो कोई भी भौतिक सुख से हम कंपेयर ही नहीं कर सकते। क्योंकि भौतिक सुख मतलब क्या, पैसा मिल गया, जॉब मिल गया, या कोई पार्टी में चले गए, या बीच पे चले गए, जो भी भौतिक सुख हम वो बहुत ही क्या बोलते, टेम्पररी है। भगवान जैसे बोल रहे हैं कि इस दुनिया में सब कुछ दुखालय, अशाश्वत है, अशाश्वत है। पूरी तरह से हम देखेंगे तो आध्यात्मिक सुखों के कंपैरिजन में भौतिक सुख बहुत ही तुच्छ है ना। तो अगर हम भौतिक सुखों के पीछे भागेंगे तो कभी नहीं मिलने वाला है। और भगवान बोलते हैं कि यही संस्पर्श जा भोगा दुख इन ते आद्य अंत वंत कौन्तेय नातेश्वर मते बुधा। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो इस भौतिक संसार के सुखों के पीछे नहीं दौड़ता है। वो जानता है यही संस्पर्श जा भोगा दुख ये न, क्योंकि उसमें दुख आने वाला है, जानता है, फिर भी उसके पीछे भागता है ना। तो जो भक्त होता है वो भक्त ये जानता है कि मुझे इसमें सुख नहीं मिलने वाला, इसलिए वो भौतिक चीजों में सुख ढूंढने का प्रयत्न नहीं करता है। प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि इस दुनिया में सुखी रहने का एक ही तरीका है, और वो है सुख को ढूंढने का प्रयत्न मत करो। तो वैसे ही एक भक्त क्या करता है, भक्त सिर्फ भगवान के सुख के लिए वो कार्य करता है। भक्ति में आने के बाद भी हम क्या करते हैं, हमारे जो 6 इंद्रिय हैं और 6 षडरिपु हैं, अनर्थ हैं, उसके कारण हमें लगता है कि भक्ति में भी आके हमारे अनर्थ हमको गलत चीजों में सुख ढूंढने का प्रयत्न करते हैं। मैं कितना महान हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, तो इसमें सुख ढूंढना नहीं है, हमें सिर्फ सेवा करनी है। और जितना ज्यादा हम भगवान की सेवा करेंगे उतना हमें सुखी हो सकते हैं। तो कृष्ण को, कृष्ण की सेवा करना और कृष्ण को प्रसन्न करना, यही भक्तों का सुख होता है। तो आप देखेंगे तो जो बड़े बड़े, वैसे शिल प्रपात थे, जब यूएस चले गए थे 70 साल की उम्र में, तो खुद ही सब कुछ करते थे, खुद ही कुकिंग करते थे, खुद ही सामान लाते थे, खुद ही पैसा कमाते थे, खुद ही सब क्लीनिंग करते थे, बर्तन मांजते थे, पर वो कभी दुखी नहीं थे, हमेशा सुखी थे। 1 साल तक करते रहे जब यूएस में थे, तब जाके उनके शिष्यों ने बोला कि स्वामी जी हम कुछ हेल्प कर सकते हैं, और तब उन्होंने हेल्प करना चालू किया। और पूरे जिंदगी भर रूपांत कृष्ण के लिए झगड़ते रहे, कृष्ण के लिए प्रसन्न करने के लिए प्रयत्न किए, और इसलिए प्रभुपाद क्या हुए, हमेशा प्रसन्न रहते थे, कभी दुखी नहीं हुए। तो हमें प्रसन्नता ढूंढनी है, सुख ढूंढना है भगवान की सेवा में, भक्तों की सेवा में, जो भगवान बोल रहे हैं उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना। अगर हम अपने सुख को ढूंढने का प्रयत्न करेंगे तो कभी नहीं मिलेगा। जब तक ये भक्त खुद के दिमाग में घुसेड़ता नहीं है कि मुझे जो सुख है इस भौतिक दुनिया से नहीं मिलने वाला है, तब तक हम अध्यात्म में ज्यादा प्रगति नहीं कर पाएंगे। धीरे धीरे प्रगति कर पाएंगे बीरबल की खिचड़ी की तरह, पर ज्यादा प्रगति नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तो इस दुनिया में सुख है ही नहीं। और हर जो भी भागवतम देखेंगे आप, भागवतम में जो भी अलग लीलाएं हैं, कथाएं हैं, उसमें हम देखते हैं कि जो व्यक्ति भौतिक सुखों के पीछे भाग रहा है उसको दुख आने ही वाला है। इसलिए सुख मतलब आध्यात्मिक सुख, भौतिक सुख होता ही नहीं। फिर उसके बाद दुख जो है, जो चीजों से हमें दुख मिलता है वो है इंद्र तृप्ति। जब भी हम इंद्र तृप्ति करते हैं उससे हमें दुख मिलता है। इसलिए हम देखते हैं कि जितना व्यक्ति ज्यादा इंद्र तृप्ति करता है उतना ज्यादा उसको दुख भुगतना पड़ता है। जितना ज्यादा व्यक्ति भगवान की सेवा में लगाता है उतना उसको दुख कम भुगतना पड़ता है ना।
तो एक्चुअली हमें दुख क्यों होता है? क्योंकि हम हमारे पापों का जो भी रिएक्शन है हमें मिलता है और हम दुखी होते हैं, तो एक्चुअली देखा जाए तो जैसे पांडवों को बहुत सारे रिएक्शंस मिले, बहुत सारे दुख मिले, पर वो दुखी नहीं हुए, वो हमेशा प्रसन्न रहे क्योंकि वो भक्त थे, है ना। पर उनको पिछले जन्मों का रिएक्शन नहीं मिला, पर हमें इस भौतिक दुनिया में हर जीव को रिएक्शन मिलता है, पाप का दुख भुगतना पड़ता है क्योंकि वो पाप कर रहा है। जब कोई पाप नहीं करेगा उसको दुख भुगतना नहीं पड़ेगा, है ना। आप बोल सकते कि प्रभु जी फिर हम पाप करना छोड़ दें, सिर्फ शुभ पायस काम करें, शुभ काम करें। तो दुनिया ही ऐसी है कि भले ही आपको कम भुगतना पड़े बट भुगतना जरूर है, और वही चेतना टिकाए रखना कि मैं पाप नहीं करूंगा और पुण्य ही करूंगा, बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए हमें पाप और पुण्य के फेरे से बाहर जाना है और आध्यात्मिक चीजें करके हमें इस दुनिया से बाहर निकलना है। तो इसलिए सुख मतलब भगवान की सेवा में लगाया, वो सुख भगवान की सेवा से विमुख होके माया मुग्धे जीवन मता प्राण। तो इस श्लोक में बोल रहे हैं कि माया को पकड़ के ये कृष्ण को भूल गया है। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया झपटिया धरे। कृष्ण को भूल के जीव क्या कर रहा है, भोग करने का प्रयत्न कर रहा है, और इसलिए माया जो है बाजू उसको पकड़ लेती है ना, और उसके कारण उसको दुख भुगतना पड़ता है। एक्चुअली आध्यात्मिक जगत में कोई दुख है ही नहीं, सब कुछ सुख है। कोई बोल सकता है अरे ऐसे कैसे हो सकता है, दुख हो तभी सुख का अनुभव होता है ना, ऐसा नहीं है। क्योंकि इस दुनिया में द्वंद्व है, अच्छा है बुरा है, धूप है छाव है, बारिश है बारिश नहीं, काला है गोरा है, ऊंचा है ठेंगा है, ऐसे बहुत सारे द्वंद्व है। अच्छा व्यक्ति होता है बुरा व्यक्ति होता है, कोई कुछ मीठा होता है कुछ तीखा होता है, पर आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है, द्वंद्व नहीं है। भले ही वहां पे वैरायटी है पर द्वंद्व नहीं है, अच्छा बुरा नहीं है, सब कुछ अच्छा है। तो ऐसे द्वंद नहीं होने के कारण वहां पे दुख का अनुभव नहीं करना पड़ता। ब्रह्म संहिता में और भागवतम की कई कक्षाओं में, कई अध्याय में आध्यात्मिक जगत का उदाहरण आता है, आध्यात्मिक जगत का विवरण आता है, और वहां पे बताया जाता है कि आध्यात्मिक जगत में सब कुछ सुख ही सुख है, और इतना सुख है कि सुख जो है बढ़ता जाता है ना। तो इसीलिए हमें प्रयत्न करना है कि हम इस दुनिया से बाहर निकल जाए। अगला गुण है कि जन्म और मृत्यु। तो जन्म और मृत्यु जो है ये शरीर का होता है, आत्मा का नहीं होता। आत्मा कभी जन्म नहीं लेता, आत्मा निरंतर काल के लिए चिरातन है, कभी भी इसका जन्म नहीं होता। तो इसलिए जन्म और मृत्यु जो है सिर्फ शरीर का है। जब मृत्यु होती है हमारी तो शरीर खत्म हो जाता है, पर आत्मा चलती रहती है, आत्मा को कोई कुछ नहीं कर सकता। नैनम चिंदति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैन्यम क्लीदन्त्यापे न शोषति मान। आत्मा को कभी कोई मार नहीं सकता है ना। एक्चुअली बोला गया है न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयो अजो नित्यो शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कि न जायते म्रियते वा कदाचिन्, इस शरीर को कभी, इस आत्मा को कभी जन्म हुआ है ना ही उसका मृत्यु हुआ है, और वो कभी बदलता भी नहीं। जो बदलता है वो सिर्फ शरीर है। इस दुनिया में देखते हैं कि शरीर बदलता रहता है, आत्मा बदलता नहीं है ना। इसीलिए जैसे हम देखते हैं कि ययाति की कथा में ययाति को श्राप मिलता है उसके ससुर जी से, शुक्राचार्य से, कि तुम्हें बुढ़ापा आ जाएगा। तो अपने पुत्रों को बोलते हैं कि मुझे बुढ़ापा नहीं चाहिए, मुझे अभी भी एंजॉय करना है, सुख की प्राप्ति करनी है। और उसके बच्चे कोई भी तैयार नहीं होते, सिर्फ जो लास्ट वाला बच्चा है पुरु वो तैयार हो जाता है। और जब शुक्राचार्य का श्राप मिलता है ययाति को, ययाति बोलता है कि देखो मैंने तक अभी तक तुम्हारी बेटी से विवाह किया है बट इतना एंजॉय नहीं किया, मुझे और एंजॉय करना है, मुझे बुढ़ा बनाओगे तो मैं कैसे एंजॉय कर सकता हूँ। और बोलता है कि मैं अगर बूढ़ा हो गया तो तुम्हारी बेटी को सबसे ज्यादा दुख होगा। तो शुक्राचार्य को समझ में आता है कि मैंने गलती किया, तो बोलता है कि देखो मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता हूँ, पर मैं एक काम कर सकता हूँ कि तुम अपना बुढ़ापा किसी के साथ एक्सचेंज कर सकते हो। तो यह थे अपने बच्चों को पूछता है बट बच्चे ना बोलते हैं, एक ही बच्चा जो लास्ट वाला बोलता है कि हाँ ठीक है मैं देने के लिए तैयार।
तब जाके ययाति बूढ़ा बूढ़े से वापस उसको यौवन शरीर मिलता है और वापस एंजॉय करता है, हजारों साल तक एंजॉय करता है और उसको लगता है कि पता नहीं मैंने कुछ कुछ मजा नहीं आ रहा है, तो वापस अपने बच्चों को बोलता है कि मुझे बड़ा बना दे और मैं आध्यात्मिक चीजें करूंगा। तो ऐसे ये जो शरीर है, शरीर बदल सकता है पर आत्मा नहीं बदलता, ययाति व्यक्ति वही रहा पर वो बदला नहीं। ऐसे और एक कथा आती है, चवन नामक एक ऋषि था, चवन प्राश, आपने देखते हैं चवन प्राश खाते हैं हम लोग, तो उससे पड़ा हुआ है चवन नाम, चवन ऋषि से। तो एक बार एक राजा चवन मुनि के आश्रम में आया और उनको कहीं चवन मुनि दिखे ही नहीं, पर वहां पे एक बहुत बड़ा चीटियों का क्या बोलते हैं उसको, वारूल बोलते हैं ना वो था, क्या बोलते हैं हिंदी में उसको, मराठी में उसको वारूल बोलते हैं, एंट, एंट हिल, किसी को पता है हिंदी में क्या बोलते हैं जो चीटियां बनाते ना, आपको भी नहीं पता, सब लोग सेवा करके सो गए लगता है। नहीं प्रभु जी पता नहीं क्या बोलते हैं एक्चुअली, हम भी एंट हिल ही बोलते हैं, चीटों का, चीटे का, हाँ एंट हिल होता है, यस हाँ। तो वो दिखा उनको, पर बाकी आश्रम में कोई था ही नहीं। तो ये जो राजा की लड़की थी उसने क्या किया, उस एंट हिल में अपना एक कांटा लिया और उसमें ऐसे ही मजाक करते करते उसने चुबा दिया, उसमें से घुसेड़ दिया, तो वहां से दो तीन जगह से रक्त आना चालू हो गया, है ना। तो जैसे रक्त आना चालू हो गया, इनको समझ में नहीं, पता नहीं कुछ तो गड़बड़ हो गया लगता है, तो राजा एकदम हड़बड़ा गया, उसको समझ में नहीं आया। उतने से क्या हुआ, उस वारूल से वो मुनि बाहर आ गए और उन्होंने बोला कि तुमने क्या किया, ये मैं तपस्या कर रहा था और तुमने ये कांटा चुभा है तो मेरा तपस्या भंग हो गया। तो राजा हड़बड़ा गया एकदम, क्या करूं मैं, तो एकदम बूढ़ा व्यक्ति था ये, पैसा ये जो स्किन था ऐसे नीचे गिरा था, दांत भी नहीं थे, पूरे बाल सब सफेद थे और शरीर भी ऐसे ऐसे एकदम बूढ़े व्यक्ति का जैसा होता है वैसा हो गया था। तो राजा हड़बड़ा गया, उसने पैर पड़े, उसको बोले कि महाराज मुझे पता नहीं था कि क्या, पता नहीं था मेरी बेटी ने किया है ये, तो आप जो बोलेंगे हम करने के लिए तैयार हैं, बट हमें श्राप मत दीजिए। तो चवन मुनि बोलते हैं कि वो देखते हैं लड़की की तरफ, उसकी बोलते हैं कि मुझे तुम्हारी लड़की से शादी करनी। अब ये जो राजा था एकदम हड़बड़ा गया, अभी क्या करूं मैं, ये इतना बूढ़ा व्यक्ति है, पर क्योंकि वो श्राप से डरता था, उसने चवन मुनि को बोल दिया कि मुझे पसंद है, मुझे मान नहीं, और लड़की उसकी तरफ देख रही, क्या है इस बुढ़े से मैं शादी करूं, पर वो भी कुछ नहीं बोल पाई क्योंकि अगर श्राप मिलता तो वो भी मर जाती और उसका पिता भी मर जाता। तो फिर क्या हुआ, उन दोनों की शादी हो गई। अब ये बुढ़े को, बुढ़े की, और ये बुढ़ा जो था चवन मुनि वो एकदम ही सठिया हो गया था और क्या बोलते उसको, क्रैक था, वो ऐसे तपस्या करता, पूजा करता, यत्न करता और उसको बोलता ये करके आओ वो करके आओ, बहुत उसको काम पे लगा था। तो बहुत सालों तक उसने मेहनत की, तो वो खुश हो गया चवन मुनि, और चवन मुनि ने बोला तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन उनके आश्रम में अश्विनी कुमार आए, अश्विनी कुमार जो ये जुड़वे भाई हैं, ये जो है ये डॉक्टर है, देवी देवताओं के डॉक्टर है। तो ये लोग आ गए वहाँ पे आश्रम में और चवन मुनि से बोले कि हमें एक्चुअली देवी देवता जो हैं खासकर इंद्र हमें अमृत नहीं देते हैं, जब भी कोई यज्ञ होता है तो वो हमको, क्योंकि एक्चुअली जो स्वर्ग है, स्वर्ग में डॉक्टर मतलब जो अश्विनी कुमार हैं उनको सबसे तुच्छ माना जाता है, तो इसलिए उनको अमृत नहीं मिलता है, पर बाकी सारे देव देवता अमृत खा लेते हैं या पी लेते हैं। तो बोलते हैं कि हमें अमृत की जरूरत है। तो चवन मुनि ने बोला कि ठीक है मैं अमृत दिला दूंगा। तो अपनी शक्ति से उन्होंने अमृत पैदा किया और उनको दे दिया, बोला कि ले लो। तो फिर वो दोनों बहुत खुश हो गए। फिर उन्होंने बोला कि आपको क्या चाहिए। तो चवन मुनि को बोला कि मुझे ये बूढ़ा शरीर नहीं चाहिए, मुझे एकदम यौवन भरा शरीर चाहिए। बोला ठीक है। तो अश्विनी कुमार ने क्या किया, दोनों ने एक बहुत बड़ा तालाब बना दिया, उसमें कुछ कुछ मेडिसिनल हर्ब डाल दिए और उस बुढ़े को, बूढ़ा इतना हो गया था कि उसको पकड़ना, पकड़ के उठाना पड़ता था, खुद भी उठ नहीं पाता था। तो दोनों ने उसको पकड़ा और तीनों उसमें कूद गए उस तालाब में, और तालाब से बाहर आए तो तीनों ही एकदम चमक रहे थे, उनका यौवन एकदम, मतलब एकदम यंग हो गए थे।
और शरीर के ऊपर तेज था, और जो च्यवन मुनि के जो झुर्रियां थी और जो भी सब कुछ निकल गए, एकदम यौवन, एकदम सुंदर नवयुवक लग रहे थे, और तीनों ही सेम टू सेम दिख रहे थे। तो अभी जो लड़की थी, उसकी बीवी थी च्यवन मुनि की, उसको समझ में आया इसमें से मेरा पति कौन है। तो उसने बोला कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है पति कौन है, आप ही बताओ। तो फिर च्यवन मुनि आते हैं और फिर दोनों खुशी से रहते हैं, और तब अश्विन कुमार निकल जाते हैं। तो उस लड़की के जो पिता थे, राजा थे, वो आते हैं और बोलते हैं कि बेटी इस कौन से युवक के साथ तुम बैठी हो यहाँ पे, मैंने तुम्हारी शादी की थी च्यवन मुनि से और तुम किसी और के साथ बैठी हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। तो हंसती है वो, बोलती कि नहीं है, मेरा पति ही है, अभी नवयुवक बन चुका है। तो इस उदाहरण से भी हम देख सकते हैं, इस कथा से भी हम देख सकते हैं कि वही व्यक्ति च्यवन मुनि बूढ़ा था पर युवक बन गया, पर वो व्यक्ति चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब है कि हम आत्मा है, तो आत्मा कभी बदलती नहीं है, शरीर बदल सकता है। और ऐसे कई उदाहरण है, जैसे शकुनी ने, क्या नाम था उसका, भीष्म के सामने जो मैं उसका नाम भूल रहा हूं, भीष्म ने तीन लड़कियों को लेके आए थे, वो अंबा, अंबिका, अंबिरिका। तो अंबा जो थी उसको शादी नहीं करनी थी, तो उसने बहुत तपस्या की, और तपस्या के बाद शिव जी ने बोला कि देखो तुम इस जीवन में कुछ नहीं कर सकते उसका, तुम अगले जीवन में तुम उसके मरने का कारण बन सकते। तो वो जो अंबा होती है मृत्यु को पाती है, पर उसके अगले जन्म में वो एक युवक बनती है, पर वो मतलब सेक्सुअली ओरिएंटेड युवती होती है। मतलब जैसे आजकल बोलते हैं ना, हिजड़े ही बोलते हैं या जो इनंच बोलते हैं, मतलब शरीर से पुरुष, बर्मन से लड़की, शिखंडी। हाँ, थैंक यू। तो शिखंडी भीष्म जी के सामने आके, तो जब भीष्म उनको ऊपर वार नहीं करते हैं, तब अरुण अर्जुन उनको उनके ऊपर वार करके उनको गिरा देते हैं। तो इससे भी हम देख सकते हैं कि उसका शरीर चेंज होता है, पर वो व्यक्ति वही होती है। ऐसे और भाई कई उदाहरण है शास्त्रों में, तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो हमारा आत्मा है वो बदलता नहीं, सिर्फ शरीर बदलता रहता है ना। तो मृत्यु किसकी होती है, जन्म किसका होता है, शरीर का, आत्मा का नहीं होता। तो इससे हम समझ सकते कि हम इस दुनिया के हैं ही नहीं, इस दुनिया में सिर्फ जन्म लेते रहते हैं और मृत्यु होती रहती है, पर हम इस जीवन के नहीं है। इनफैक्ट इस दुनिया में इतने सारे भौतिक चीजों में एक ही चीज है जो निरंतर है, वो आत्मा है, आत्मा और परमात्मा, बाकी सब बदलता रहेगा। उसको बोलते हैं मैनिफेस्टेड एंड अनमैनिफेस्टेड। अभी आज ये बिल्डिंग है जिसमें हम, मैं अभी बैठा हूँ आठवें महीने में, अब कुछ सालों के बाद, 40 साल के बाद, 50 साल के बाद ये बिल्डिंग नहीं रही, कुछ और यहाँ पे आ जाएगा। अभी हमारे सामने, मंदिर के सामने बहुत बड़ा रास्ता बन रहा है, फ्लो थ्रू रास्ता बन रहा है, अब वो रास्ते को गड्ढा बना रहे हैं, उसमें बना रहे हैं, अब कुछ सालों के बाद वो भी तोड़ देंगे, कुछ और बना देंगे। तो इस दुनिया में बनता है बिगड़ता है, बनता है बिगड़ता है, पर आत्मा कभी नहीं बिगड़ता, आत्मा का आत्मा रह जाता है। इसलिए जन्म और मृत्यु जो है वो आत्मा का नहीं है, शरीर का है ना। तो वसुदेव जो है कंस को, जब कंस ने देवकी को मारने का प्रयत्न किया, जब आकाशवाणी हुई कि कंस तुम्हारे बहन के आठवें पुत्र ही तुम्हारे काल बनने वाला है, तुम मूर्ख, तुम अपनी बहन को लेके जा रहे, तो तब कंस अपनी देवकी को पकड़ते हैं बहन को और उसको मारने का प्रयत्न करते। तब वसुदेव उनको बोलते हैं कि बहुत सारे उनको फिलॉसफी बताते, तत्वज्ञान बताते हैं कि तुमने क्यों नहीं मारना चाहिए। पहला तो तुम एक राजा हो और तुम्हारी बहन है अबला है, उसको मारने से तुम्हारा जो नाम है खराब हो जाएगा। फिर बोलते हैं कि तुम्हारा जो शौर्य है वो भी खराब हो जाएगा, उससे भी नहीं मानता वो। फिर वो बोलते हैं कि देखो जब भी जन्म होता है तब मृत्यु भी उसके साथ ही आती है। जैसे अभी हमारा जन्म हुआ है, तो जन्म के साथ कब मृत्यु होने वाली है डिसाइडेड है, वो बदलता नहीं है ना। कितने हम सांस लेने वाले हैं अंदर बाहर, वो प्री डिसाइडेड, वो बदलता नहीं। जितने भी नंबर होगा उतने के बाद हमारा जन्म मृत्यु होने वाला है ना। इसलिए बोलते हैं कि मृत्यु एक परीक्षा है, एग्जाम है। जीवन भर हमने कुछ भी किया हो, अगर मृत्यु के समय भगवान को याद नहीं कर पाए, अनन्यश्चिन्तयन्तु माम, नहीं अनन्य कहते हैं, अगर हम भगवान को याद करेंगे तो भगवान के धाम जाएंगे। मैं श्लोक भूल रहा हूँ, बट सातवें आठवें अध्याय में मैंने चर्चा किया था उसके बारे में। अंतकाले च माम एव स्मरण मुक्ता कलेवरम, ऐसे बोलते हैं भगवान के, अंतकाल में मुझे याद करो तुम मुक्त पाओगे।
तो इसलिए भक्तों के लिए जो भक्ति में पूरी तरह से रसित हैं, डूबे हुए हैं, उनके लिए मृत्यु मतलब एक शरीर का बदलाव है और कुछ नहीं। सिर्फ वो शरीर बदल रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है ना। जैसे एक छोटी सी बिल्ली होती है, एक छोटी सी बिल्ली का बच्चा होता है और बिल्ली होती है, तो जब बिल्ली उस बिल्ली के बच्चे को पकड़ती है अपने गले से ही पकड़ती है, पर उस बिल्ली के बच्चे को डर नहीं लगता और बिल्ली के बच्चे को जरा सी भी चोट नहीं आती। पर वही बड़ी बिल्ली अगर चूहे का पकड़े, वो भी गले में ही पकड़ती है, पर उस चूहे की मृत्यु हो जाती है और चूहा बहुत डरता है। वैसे ही जो मृत्यु होता है, अगर हम भगवान के और अपने गुरु महाराज के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें तो हमें मृत्यु मतलब एक शरीर का बदलाव है और कुछ नहीं लगेगा, है ना। या नहीं तो बहुत भयंकर मृत्यु आएगी और हम डर जाएंगे ऐसा। तो इसलिए जन्म और मृत्यु भी ये भगवान के ही गुण है। अगला है भय और अभयम। तो एक्चुअली हमें भय क्यों लगता है? एक्चुअली हमें भय इसलिए लगता है, कोई बोल सकता है भय क्यों लगता है हमें? किस बात का भय लगता है हमें और क्यों लगता है? प्रभु जी मौत से। मौत से भय लगता है, बराबर। क्यों मैं मौत से भय लगता है? यही सब छूट जाएगा ये। हाँ, हमें डर लगता है कि पता नहीं अभी आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला, मृत्यु के बाद क्या होने वाला, हमें पता नहीं, इसलिए हमें डर लगता है। और किससे डरते हैं हम? कौन सी चीज से डरते हैं? किस पता जी? भविष्य के। हाँ, भविष्य की चिंता कर, शरीर को छोड़ने से। मनुष्य ना भविष्य की चिंता करता है आगे क्या होगा, इसके लिए भी डर लगता है ना। ये दूसरा कारण है। और क्या कारण है? मूल कारण क्या है? भय का मूल कारण क्या है? इनसिक्योरिटी। प्रभु जी किसी भी चीज को लेके जो इनसिक्योरिटी होती है, वो किसी भी चीज को लेके हो सकती है। आगे क्या होने वाला पता नहीं, इसलिए भी डर लगता है ना। बट मैं बोल रहा हूँ कि ये मूल कारण क्या है? ये तो सुपरफिशियल कारण हो गए, ऊपरी कारण हो गए, मूल कारण क्या है? मूल कारण ये है प्रभु जी कि हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं। हम अपने को शरीर मान रहे हैं, करेक्ट। आत्मा नहीं मान रहे हैं। कल्पना माता जी कुछ बोल रही थी। अटैचमेंट जो हमारे होती है, अटैचमेंट है अपनी भौतिक चीजों से अटैचमेंट होती है, उससे भी भय होता है क्योंकि मुझे छूट जाएगा, है ना। एक्चुअली मूल कारण क्या है, जैसे कृष्ण माता जी बोल रही थी, हम भगवान से दूर हैं शायद ये कारण। भगवान को हम भूल गए इसलिए हमें डर लगता है या भय लगता है। क्योंकि अगर भगवान, हमें पता ही है कि हम भगवान के साथी हैं, हम आत्मा हैं, तो किस बात का डर हो? मृत्यु भी हो गया तो क्या, हम आत्मा तो जाएगा नहीं कहीं। इसीलिए भय जो है, एक्चुअली बोलते हैं प्रभुपाद इस पर्पट में बोलते हैं श्लोक में ही कि भय इसीलिए लगता है क्योंकि हम पूरी तरह से माया में, क्या बोलते हैं उसको, एब्जॉर्ब हो गए, है ना। माया में पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो गए, पूरी तरह से हम, और कुछ नहीं है हमारे पास, माया ही माया है ना। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि फियर इज कॉल्ड ड्यू टू एब्जॉर्प्शन इन इल्यूजरी एनर्जी। माया की एनर्जी में हम इतने डूब गए हैं, उसके कारण भय लगता है। जैसे कोई एक व्यक्ति होता है, आज हमारे एक मंदिर में ड्यूटी बोल रही थी कि हमारे ऑफिस में बहुत गड़बड़ चल रही है, 2-3 हज़ार लोगों को निकाल दिया, तो डर लगता है कि मुझे निकाल नहीं दे, इसलिए मैं जोर जोरों से हरे कृष्ण बोल रहा हूँ। तो ये भय भी क्यों है? क्योंकि हम पूरी तरह से कृष्णा कॉन्शियस नहीं है, हमें लगता है कि पता नहीं जॉब जाएगा तो मेरा क्या होगा, वापस मिलेगा कि नहीं जॉब, पैसा नहीं आएगा, कैसे मैं फैमिली को रख पाऊंगा। तो ये भय है ना। तो इसीलिए पूरी तरह से, क्योंकि हम भौतिक माया में अटके हुए हैं, तो उसमें से एक भी गड़बड़ हो जाए तो लगता है कि बापरे क्या हो जाएगा, है ना। तो इसलिए भय, ये कृष्ण भावना ना हो तभी होता है। जैसे प्रभुपाद थे, प्रभुपाद को किसी का भय नहीं था, कभी भी प्रभुपाद किसी से डर नहीं। इनफैक्ट ऐसे बोलते कि जब यूएस में प्रभुपाद गए थे तो पहले साल में साक्षात कली वहां पे आया था प्रभुपाद को चेतावनी देने के लिए कि तुम प्रचार मत करो, प्रचार करोगे तो तुम मर जाओ। प्रभुपाद ने बोला कि तुमको जो करना है करो, मैं प्रचार करूंगा। प्रभुपाद किसी से डरते नहीं थे। तो इसीलिए जो व्यक्ति पूरी तरह से कृष्ण में अपनी चित्त डुबो चुका है, उसको भय नहीं होता है। पर जो व्यक्ति माया में घुस गया है, माया में पूरी तरह से आच्छादित है, उस व्यक्ति को भय लगता है। क्योंकि उसको उसको उसका उसका पूरी दुनिया ही माया है। ये मेरा जॉब है, मेरा जॉब छूट जाएगा,
मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बच्चे के शादी होगी कि नहीं, मेरे बच्चों को जॉब लगेगा कि नहीं, मेरे बच्चे कैसे रहेंगे, मैं कैसे रहूंगा, ये सब चीजों से डर लगता है ना। इसलिए भय जो है तभी जाएगा जब हम कृष्ण भावना को पूरी तरह से पकड़ लेंगे। एक्चुअली एक मैं लेक्चर सुन रहा था तो हिजोलेस राधानाथ महाराज बोलते हैं कि जब आप हरिनाम का आधार लेंगे, शेल्टर लेंगे, इफ यू टेक द शेल्टर ऑफ हरिनाम, पूरे आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। एक्चुअली आज मैं जपा के लिए आ नहीं पाया, मैं भूल गया पूरी तरह से, गया जपा टॉक देना है सुबह, तो माफी चाहता हूँ उसके लिए, तो उसका मैं आज 5 मिनट बता के उसका कवर अप कर लेता हूँ। तो एक्चुअली उसमें उस लेक्चर में बता रहे थे राधानाथ महाराज कि अगर हम हमें शुद्ध नाम मिल जाए या नाम में रुचि मिल जाए तो नाम रुचि से सारे हमारे जीवन के प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते। अभी हमारे जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, मेरे बच्चे की शादी होगी कि नहीं, मेरे बच्चे को जॉब मिलेगा कि नहीं, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा, मेरे पति का क्या होगा, मेरे पत्नी का क्या होगा, इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, भर भर के प्रॉब्लम्स हैं, छोटे मोटे ये वो, घर में प्रॉब्लम, बाहर में प्रॉब्लम, रस्ते में ट्रैफिक, ये वो, सब प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम। एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको प्रॉब्लम नहीं है, किसी के घर में पानी का प्रॉब्लम है, किसी में बिजली का प्रॉब्लम है, किसी रिलेटिव्स का प्रॉब्लम है, किसी को नेबर्स का प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ तो है, प्रॉब्लम जरूर है। पर महाराज बोलते हैं कि जब हम शुद्ध नाम लेना सीखेंगे और नाम में रुचि आएगी, जीव दया नाम रुचि वैष्णव सेवा, ये गुण गुण वैष्णव होते हैं, तो नाम में रुचि आएगी। रुचि आएगी मतलब क्या, बार बार वो करने का मन करता है ना, तो तब हमारे जीवन के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। पर वो रुचि इतनी जल्दी नहीं आती। कृष्ण भगवान नाम में रुचि नहीं देते हैं क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं नाम में रुचि दूंगा तो ये व्यक्ति जो है मुझको कंट्रोल कर सकता है। जब नाम में रुचि आएगी तो हम भगवान को कंट्रोल कर सकते हैं, हम भगवान को बोल सकते हैं कि मुझे ये चाहिए। नारद मुनि ने नलक ग्रीव और मुनिग्रीव को, नलक कुबेर और मुनिग्रीव को श्राप दिया। अब जब श्राप दिया तब नारद मुनि ने कृष्ण को पूछा नहीं कि मैं श्राप दे रहा हूँ, पर श्राप के बाद उनको मैं वचन भी दे रहा हूँ, तुम कृष्ण और बलराम के आंगन में तुम्हारा जन्म होगा पेड़ पर। उन्होंने कुछ नहीं पूछा कृष्ण बलराम, कृष्ण भगवान से। बट जैसे ही नारद मुनि ने वचन दिया, कृष्ण ने मान लिया, बोला ठीक है तुम दोनों हमारे आंगन में दो अलग अलग अमल अर्जुन पेड़ बन जाओ। अब क्यों नारद मुनि का मान लिया कृष्ण भगवान ने, क्योंकि कृष्ण नारद मुनि हमेशा नारद मुनि बजाए बिना राधिका रमन नाम नाम बहुत अच्छा भजन है ना, नारद मुनि बजाए बिना राधिका रमन नाम है, हमेशा भगवान का नाम लेते हो, उनको नाम रुचि है। जिस व्यक्ति को नाम रुचि है उसको कृष्ण खुद को बेच देते हैं, तो क्योंकि कृष्ण कृष्ण ने उनको बेच दिया तो जो बोलेंगे नारद मुनि वो करेंगे, पर वो क्योंकि शुद्ध भक्त है वो ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे, ऐसा ही बोलेंगे जो सबके लिए हितकार को। तो इसीलिए नाम रुचि भगवान देते नहीं इतनी जल्दी, उसमें बहुत देर लगाते हैं, है ना, क्योंकि एक दिन नाम रुचि आ जाएगी अपने सारे प्रॉब्लम्स खत्म, भौतिक प्रॉब्लम सारे खत्म, और आध्यात्मिक प्रॉब्लम्स कोई होती ही नहीं। तो ये भगवान हृदयनाथ राधन बाबा बोल रहे थे कि हमने नाम रुचि के लिए भीख मांगनी चाहिए, कृष्ण भगवान से बोलना चाहिए कि नहीं मेरे पास ये चीज नहीं है, मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, मुझे भीख दे दो आप, कुछ भी ले लो मुझसे। तो महाराज बोलते हैं कि देखो भगवान दे तो सकते हैं पर आपसे लेंगी भी जरूर। क्या लेंगी? जो भी भौतिक चीजें हैं आपसे वो खींच सकते हैं, उसके लिए हमने तैयार होना चाहिए। हम लोग रेडी हैं? हम बहुत सारे लोग रेडी नहीं है, खुद भी मैं भी रेडी नहीं, क्योंकि हमें भौतिक आसक्ति हमारी गई नहीं। पर अगर हमें सुखी रहना है निरंतर काल के लिए और जो लक्ष्य हमें रखा है वो अगर पाना है तो क्या करना पड़ेगा? वो मांगना ही पड़ेगा, भीख मांगना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। इसलिए हिजोलनेस गौर गोविंद महाराज बोलते हैं कि हमारा जो है रोने का मोमेंट है, कृष्ण कॉन्शियसनेस इसकॉन रोने का मोमेंट है, क्योंकि जब तक हम भगवान से रोएंगे नहीं कि नहीं मुझे चाहिए ही चाहिए, नाम रुचि चाहिए, मुझे नाम रुचि बिल्कुल नहीं है, भौतिक दुनिया में इतनी आसक्ति है मुझे, इतना मैं आसक्त हो गया हूँ कि सब चीजों से मैं पूरी तरह से फंस गया हूँ उसमें, प्लीज प्लीज मुझे निकालिए इससे बाहर। जब तक हम ये बोलेंगे नहीं तब तक कृष्ण हमें सीरियसली, मैं इसलिए बोलता हूँ कि वैनिला भक्ति कोई काम की नहीं है, क्या माला कर रहे हैं और सब कुछ गुड़ी गुड़ी चल रहा है, नहीं भाई, गुड़ी गुड़ी करेंगे तो भगवान खुश नहीं होते हैं। अगर जैसे आज हम 9:30 से 12:30 तक लाइन में खड़े थे, पहले कूपन लेने के लाइन में खड़े थे, फिर प्रसादम के लाइन में, और उसके बाद फिर
अभिषेक के लाइन में, और फिर 12:30 से 2:30 तक 3 बार सर्विंग के लाइन में। तो जब भगवान ये देखते हैं कि देखो भक्त मेरे कितने कष्ट ले रहे हैं, तब जाके भगवान थोड़ा बहुत कुछ दे सकते हैं, नहीं तो बहुत इस भगवान इस मामले में बहुत कंजूस करते हैं। आप जपा करते समय अगर भौतिक चीज मांगो तो भगवान तुरंत दे देंगे, तुरंत आप मांग के देखो तुरंत देंगे भगवान। जपा करते करते बोलो कि मुझे ये चाहिए भगवान, और बार बार मांगो, कुछ ही दिनों में मिल जाएगा, भगवान उसमें देर नहीं लगाते। क्योंकि बोल रहे जपा कर रहा है फिर भी मुझसे भौतिक चीज मांग रहा है, क्या करूं मैं। पर आप बोलो कि मुझे नाम रुचि चाहिए, भगवान इतनी जल्दी नहीं देंगे। भगवान बोलेंगे थोड़ा घिसो तुम, थोड़ा रगड़ो भाई, रगड़ो और उसके बाद तुम्हारा भौतिक चीजों की आसक्ति निकालो, फिर मैं दूंगा। पर ऑप्शन नहीं है, नाम रुचि चाहिए मतलब चाहिए, नाम रुचि नहीं रहेगा तो हमारे जीवन की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। नाम रुचि से ही हमको आध्यात्मिक जगत का एंट्री मिलने वाला है, है ना। तो इसके लिए हमें झगड़ना पड़ेगा, रगड़ना पड़ेगा, है ना, बहुत कष्ट करने पड़ेगा। कम से कम अभी के स्टेज में जपा करते समय हमने हरिदास ठाकुर को, हरिनाम प्रभु को और हमारे गुरु परंपरा को, शिला प्रभुपाद को मांगना चाहिए कि नहीं मैं बहुत नालायक व्यक्ति हूँ, कितना भी बोलो मैं सुधरता नहीं, बार बार मैं गलतियां करते रहता हूँ, वैष्णव अपराध करता हूँ, पाप करता हूँ, गलतियां करता हूँ, मुझे प्लीज प्लीज आप कुछ भी करके सही रास्ते पर लगाइए और मुझे कृष्ण प्रेम दीजिए, नाम रुचि दीजिए। ऐसे बार बार करेंगे तो थोड़ा बहुत हमें रुचि मिल सकता है। ऐसे बहुत सारे भक्त हैं, जैसे मैं बता रहा था कि पांडव निर्जला के दिन कई भक्तों ने 108 माला की, और एक आनंद वृंदावन प्रभु करके हैं, चौपाटी मंदिर में रहते हैं, ग्रस्त हैं, उन्होंने 128 माला की, और हरदास ठाकुर के तिरुभाव दिन पे वो 192 नाला करते हैं, और रोज वो 32-64 ऐसी माला करते हैं। इसका मतलब है कि हरि नाम में रुचि है, है ना। हमारा 16 माला ये बहुत झगड़ झगड़ के होता है, इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम भगवान से प्रार्थना करें। ऐसे करेंगे तो हमें अभय मिलेगा। ऐसे प्रहलाद महाराज थे, अम्बरीश महाराज थे, वृत्रासुर थे, उनको कोई डर नहीं था। प्रहलाद महाराज के ऊपर इतना हमला हुआ, इतने हमले किए हिरण्यकश्यप ने, डरे नहीं बिल्कुल। एक बार भी उन्होंने बोला नहीं कि भगवान इतने हमले करने बचाओ, नहीं बिल्कुल नहीं बोले। फिर अम्बरीश महाराज के ऊपर दुरास मुनि ने हमला किया, पर अम्बरीश महाराज सिर्फ भगवान के ऊपर उनकी श्रद्धा थी तो नमस्कार करके बोले, कुछ नहीं बोले, भगवान को याद किया बस। और वृत्रासुर नामक एक राक्षस थे, बट वो भक्त थे भगवान के, वो पहले अपने जीवन में चित्रकेतु राजा थे, वो भी शुद्ध भक्त थे, उनको श्राप मिला इसलिए वो राक्षस बन गए, और उनका युद्ध हो रहा था इंद्र से, और इंद्र गड़बड़ा रहा था कि मैं पता नहीं मर जाऊंगा, और वृत्रासुर राक्षस होने के बावजूद भी बोले कि तुम क्यों डर रहे हो, मुझे पता है कि मेरी मृत्यु होने वाली, तुम क्यों डर रहे हो, पर मुझे पता है कि तुम मरोगे और तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, मैं मरूंगा मुझे आध्यात्मिक जगत मिलेगा, बिल्कुल डरे नहीं। तो अभयम तभी हो सकता है कि जब हम पूरी तरह से कृष्ण में डूब जाएं। तो इन जनरल लोग क्या करते हैं, अंधकार में रहते हैं, ओम अज्ञान तिमिरंदेशी, इसलिए बोलते हैं ओम अज्ञान तिमिरंदेशी, जब तक हम अंधकार में हैं तब तक हमें लाइट नहीं दिखने वाली, क्योंकि इसलिए लोग क्या करते हैं, रोते रहते हैं, हैंकरिंग लेमेंटिंग मतलब चीजों के लिए मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, और मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, रोते रहते हैं, है ना। तो पिछला कुछ निकालते हैं पास्ट में, अरे मेरे साथ ये हुआ था, मेरे साथ वो हुआ था, और अगला भविष्य के बारे में चिंता करते, पता नहीं भविष्य में क्या होगा, मैं रहूंगा कि नहीं, ये वो। तो ये क्यों है, क्योंकि हम पूरी तरह से माया के चंगुल में फंसे हैं इसीलिए, ठीक है। उसके बाद अगला गुण है अहिंसा, यहाँ पे क्या शब्द यूज किया है, अहिंसा ही मतलब संस्कृत शब्द क्या है, अहिंसा, करेक्ट। तो अहिंसा मतलब क्या, नॉन वायलेंस, जो गांधी जी ने करा था, पर एक्चुअली अहिंसा मतलब सिर्फ शारीरिक स्तर पे हिंसा नहीं, पर अगर हम किसी को मानसिक स्तर पे, अगर हम किसी को परेशान कर रहे हैं जानबूझ के, तब भी वो हिंसा है। तो हिंसा मतलब सिर्फ शारीरिक स्तर पे नहीं, पर मन के स्तर पे भी, अगर मन किसी को हम परेशान कर रहे हैं जानबूझ कर, मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, तो भी एक प्रकार की हिंसा है। इसलिए हमने किसी को परेशान नहीं करे, कोई भी जीव का जबरदस्ती परेशान नहीं करना चाहिए, एज मच एज पॉसिबल हमने प्रयत्न करना चाहिए कि हम किसी कोई भी जीव को परेशान ना करें।
तो एक्चुअली प्रोपाद तो और आगे जाके बोलते हैं कि अगर एक जीव भक्त है और वो अपने आसपास के लोगों को प्रचार नहीं कर रहा है, कृष्ण भावना के बारे में नहीं बता रहा है, तो वो जीव भी हिंसा कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि कृष्ण भावना आपको इस दुनिया के चंगुल से और दुनिया के कष्टों से निवारण मिला सकता है, फिर भी आप उनको प्रचार नहीं कर, फिर भी आप उनको नहीं बता रहे। जैसे आप, आपको एक कोई मेडिसिनल हर्ब मिल गया जिसके कारण मृत्यु हो गई नहीं, पर आप किसी को बता नहीं रहे, ऐसा हो गया। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि हमने ये न किए न प्रकार है, कोई भी तरह से आप प्रचार करो, किताब दो, प्रसाद दो, भगवदगीता उनको डोनेट करने बोलो, जो भी करो, पर प्रचार जरूर करो। ऐसा करेंगे और अपने बर्ताव से भी प्रचार कर सकते हैं। कई कई लोग अपने अच्छे बर्ताव से भी लोगों को, लोगों के ऊपर असर कर डालते हैं। तो ऐसे करेंगे तो हम हिंसा नहीं कर रहे, पर नहीं करेंगे तो हिंसा कर रहे। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जो गलत प्रचार कर रहे हैं, और गलत प्रचार करने से भी हिंसा हो सकती है, है ना। तो हिंसा का मतलब ही प्रभुपाद यहाँ पे अलग बोलते हैं कि जिस जीव को आप इस दुनिया में कष्ट झेलते हुए देख रहे हो, उस जीव को इस दुनिया से बाहर निकलने का रास्ता दिखाना मतलब अहिंसा है। एक्चुअल हिंसा मतलब जैसे महात्मा गांधी ने बोला कि दूसरे को मारो मत, पर वो तो इस दुनिया का बहुत दूर है। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि मानसिक स्तर पे भी परेशान मत करो, जैसे हम किसी को डिलीबरेटली कुछ कर रहे हैं परेशान, जानबूझ के तो वो नहीं करना चाहिए। और उसके आगे जाके हर जीव को हमने कृष्ण भावना देने का प्रयत्न करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला जो गुण है वो है समता। समता, समता मतलब उसको इंग्लिश में इक्वानिमिटी बोलते हैं, मतलब समर है ना। तो एक्चुअल देखा है तो ऐसा हो सकता है कि जैसे कृष्ण भगवान बोलते हैं भगवदगीता में, समोहम सर्वभूतेषु नमे द्वेषस्तु न प्रिया, कि मैं सबसे समर रहता हूँ, मैं किसी से द्वेष नहीं करता हूँ, किसी को चाहता नहीं हूँ। समोहम सर्वदेषस्तु नमे द्वेषस्तु न प्रिया, मैं किसी का द्वेष नहीं करता हूँ, किसी से मैं चाहता नहीं। इसका मतलब क्या है कि भगवान जो है, भगवान जैसे बारिश जब गिरती है तो बारिश सब जगह सेम गिरती है, पर कौन से स्थल पे गिरती है उसके ऊपर उसका असर पता चलता है। जैसे अगर वो बारिश जमीन पे गिरे तो जमीन के अंदर पानी में वो चले जाती है, पत्थर पे गिरे तो पत्थर से वो नीचे गिर जाती है, और एक लोहे के सलाखे के ऊपर गिरे जो गरम गरम है तो उस पानी का क्या बनता है, वेपर बन जाता है ना। तो देखो, पत्थर पे गिरी तो नीचे गिर गई, जमीन पे गिरी तो जमीन के अंदर चले गई, लोहे के सलाखे के ऊपर गिरी तो उसका क्या बन गया, वेपर बन गया और वो उड़ गई, खत्म हो गया उसका एग्जिस्टेंस, उस बूंद का एग्जिस्टेंस खत्म हो गया। पर वही बूंद अगर समंदर में गिरे, और समंदर में भी बहुत सारे पानी के बूंदे गिरती हैं, पर एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर वो गिरे और एक प्राणी होता है उसके मुंह में गिरे तो वही बूंद क्या बन जाती है, हीरा बन जाती है, क्या बोलते हैं उसको, पर्ल ना, पर्ल बन जाती है, मोती, मोती बन जाती है। तो समंदर में इसलिए मोती पाए जाते हैं क्योंकि उन लाखों बूंदों में से एक बूंद ऐसे एक प्राणी के मुंह के अंदर गिरी जिसके कारण वो मोती बन गया। तो आप देख सकते कि पानी जो है, पानी सब जगह वही गिर रहा है। अगर बंजर, बंजरा बंजर होता जमीन है, बंजर बंजर जमीन जिसमें कुछ उगता नहीं है, वहां पे पानी गिरने से कुछ नहीं होगा, और वही पानी अगर अच्छे जमीन में गिर जाए तो वहां से खेत खलियान उग सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग जगह में अगर वही पानी गिरे तो उसका असर अलग होता है। वैसे ही भगवान की दया सबके पास है, भगवान को सब, सबको दया देना चाहते हैं, पर हम कैसे लेते हैं और कैसे बर्ताव करते हैं हमारे ऊपर है। अगर हम वो लोहे के सलाखे के जैसे हैं तो पानी निकल जाएगा, भगवान की दया निकल जाएगी। अगर हम वो पानी के समंदर के कीड़े की तरह हैं, मछली की तरह हैं, वो हम उसका मोती भी बना सकते हैं, तो हमारे ऊपर। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि समता मतलब क्या, कि कोई भी चीज से आसक्त ना रहना और कोई भी चीज से अनासक्त बना रहना। मतलब क्या, कि उदाहरण के तौर पर कोई बोल सकता है कि कुछ कुछ लोग हैं जो मायावादी होते हैं, बोलते हैं कि अरे इस दुनिया में कुछ नहीं रखा है, अनासक्त बनो, किसी भी चीज से अटैच मत हो, नहीं। पर प्रभुपाद बोलते हैं कि कोई भी चीज अगर भगवान कृष्ण के लिए हम
यूज कर सकते हैं, उसके यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे भगवान बोलते हैं युक्त वैराग्य उच्चते, युक्त वैराग्य मतलब कि कोई भी चीज भगवान की सेवा में लगा दो, है ना, उसको बोलते हैं आसक्त भी नहीं होना और अनासक्त भी नहीं होना। अगर भगवान चाहे तो हमको जो पैसा मिलता है भगवान की सेवा में लगा दे, या तो भगवान हमें पैसा ही ना दे तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट हम जो मिलेगा वो कृष्ण की सेवा में लगाएंगे, उसको बोलते हैं समता। समता मतलब ये नहीं कि सबके साथ सेम व्यवहार करना, वो तो मुश्किल है। अगर हम अपने मित्र को या मैत्रीन को हम गले लगाते हैं पर वही हम शेर को गले नहीं लगा सकते, तो उसका मतलब समता नहीं है। समता मतलब आसक्ति ना रहना और अनासक्ति बना रहना, ऐसा है ना। जो भगवान कृष्ण के लिए यूज नहीं कर सकते हैं उसको छोड़ दो, और जो यूज कर सकते हैं उसको कृष्ण की सेवा में लगा दो, उसको बोलते हैं समता। ठीक है, तो समता रहना बहुत मुश्किल है, पर जैसे कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि कृष्ण भगवान में समय है। कैसे समय है? जैसे कोई भक्ति करे तो कृष्ण भगवान उसको बहुत लाड़ प्यार से उसको आगे बढ़ने देते हैं, जो भक्ति नहीं करता उसकी तरफ जितना मिनिमम ध्यान चाहिए उतना देते हैं। जैसे कोई एथिस्ट लोग होते हैं, नास्तिक व्यक्ति होता है, नास्तिक व्यक्ति को जितना खाने के लिए चाहिए पीने के लिए चाहिए उसको जो भौतिक इच्छा है उतनी भगवान पूरी करते हैं, पर उसके आध्यात्मिक प्रगति के लिए भगवान कुछ नहीं करते क्योंकि उसकी इच्छा ही नहीं। इसलिए भगवान बोलते ये था माम प्रपद्यन्ते ताम तथा वजामि हम मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्था सर्वशा। भगवान बोल रहे हैं कि जैसे मुझसे कोई व्यवहार करेगा वैसे ही मैं करूंगा, पर मैं सम हूं। राक्षस लोग मुझे मानते नहीं है तो फिर भी मैं उनको खाने पीने का देता हूं, पर मैं उनको पास नहीं रहने देता हूं। भक्त लोग मुझसे प्रेम करते हैं इसलिए मैं उनको पास नहीं देता हूं, तो इसलिए समता है ये। तो ये जीवन की समता हमारे लिए मतलब क्या कि हमने कोई भी चीज का आसक्त नहीं होना है और अनासक्त भी नहीं होना है। जो भी हम कृष्ण की भावना में यूज कर सकते हैं, जैसे किसी के पास गाड़ी है, अब किसी के पास मर्सिडीज गाड़ी है या BMW, अब वो कृष्ण की सेवा में कैसे लगा सकता है? बिल्कुल लगा सकता है। अगर कोई मंदिर में सन्यासी आए, बहुत शुद्ध व्यक्ति आए, उच्च कोटि का भक्त आए, तो उसको एयरपोर्ट से लाने के लिए, उसको एक जगह से दूसरे जाने के लिए यूज कर सकते हैं। तो कोई भी चीज हम भगवान की सेवा में यूज कर सकते हैं, ये है समता। अगला है तुष्टि। तुष्टि मतलब सेटिस्फेक्शन। तो इस दुनिया का जीव क्या कर रहा है? बहुत सारी भौतिक चीजें इकट्ठा करके तुष्टि रहने का प्रयत्न कर रहा है ना। बट जीव हम देखते हैं जितना ज्यादा इकट्ठा करता है उतना उसको तुष्टि मिलता है, इसका गारंटी नहीं। क्योंकि जो जीवन का जो दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति है वो तुष्ट नहीं, संतुष्ट नहीं है। एक बार बलि महाराज के सामने वामन देव गए और वामन देव ने बलि महाराज सबको दान दे रहे थे यज्ञ के बाद, तो वामन देव को पूछा कि तुमको क्या चाहिए? तो वामन देव ने बोला बलि महाराज को कि मुझे 3 पग जमीन चाहिए। तो वामन देव को देख के बलि महाराज हंसते लगे, बोले क्या, कैसा ब्राह्मण है तू? मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि मैं पूरे दुनिया का राजा हूँ, ब्रह्मांड का राजा हूँ, 3 लोक मेरे हैं, क्योंकि उन्होंने इंद्र के ऊपर जीत हासिल की थी। मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ, जितनी जमीन चाहिए उतनी जमीन दे सकता हूँ, एक देश दे सकता हूँ मैं, और तुम मांग रहे हो 3 पग की जमीन हो, तुम्हारे तुम कितने ठेंगे हो, इतने छोटे से तो हो तुम, तुम्हारी जमीन कितनी मिलेगी? कुछ बड़ा मांगो, तुम किसके पास आए हो? तो गर्व के साथ कह रहा था बलि महाराज। तो वामन देव ने बोला देखो भौतिक चीज ऐसा है, तुष्टि आध्यात्मिक चीजों से आती है। अपने पास जितना है उतने में अगर कोई संतुष्ट नहीं है तो उसको पूरी दुनिया भी मिले तो वो संतुष्ट नहीं होगा। आगे जाके पूरी दुनिया भी मिल जाए वो संतुष्ट नहीं है। जैसे एक उदाहरण अभी रिसेंटली मैंने सुना कि धीरूभाई अंबानी जो मुकेश अंबानी के पिता हैं, उन्होंने जब रिलायंस चालू किया तब हमारे एक भक्त हैं आनंद वरदान प्रभु करके, तो वो उनके साथ इंटर्नशिप कर रहे थे, उनके टच में थे, तो वो बोल रहे थे कि आपका क्या एम्बिशन है? तो धीरूभाई अंबानी जब चालू किया तो बोला कि मुझे पेट्रोकेमिकल्स में फर्स्ट आना है। तो कुछ ही सालों में पेट्रोकेमिकल्स में फर्स्ट आ गए। तो उन्होंने बोला अभी क्या आपका एम्बिशन है? तो उन्होंने बोला कि मुझे गैसोलीन में फर्स्ट आना है। तो कुछ साल में गैसोलीन में आ गए, फिर बोले कि इसमें आना है तो उसमें आ गए। तो जो भी बोलते थे उसमें आते थे, 4-5 बार हुआ। फिर अभी बोले अभी क्या बचा आपने? तो बोला मुझे इंडिया में नंबर 1 बनना है। तो कुछ सालों में इंडिया में नंबर 1 बने। फिर कुछ साल में बोले कि मुझे एशिया में नंबर 1 अमीर व्यक्ति बनना है, तो एशिया में बन गए। फिर बोले कि मुझे फॉर्च्यून 500 कंट्रीज जो है उसमें नंबर 1 चाहिए,
ऐसे एक फॉर्च्यून मैगजीन आता है जिसमें 500 सबसे बेस्ट कंपनियां पूरी दुनिया में, उनका नंबर आता है। तो उनका नंबर आ गया, तो बोले अभी मुझे दुनिया में सबसे जो अमीर व्यक्ति है उसमें से 10 में से नंबर आना है। ऐसे करते करते उनकी मृत्यु हो गई और वो उसको पा नहीं पाए, जितना वो बोले कि मुझे नंबर 10 माना है वो नहीं आ पाए। और वो बता रहे थे कि मंदिर से ही दूर उनके एक स्मशान घाट पे उनको जलाया गया, और उनको जलाने के लिए कई किलो किलो चंदन की लकड़ियां यूज करी। और वो बोल रहे थे कि वो उनका जब शरीर जला तो अपने साथ उस शरीर के साथ कुछ और जा नहीं पाए, सब कुछ जल गया, कुछ भी वो लेके नहीं जा नहीं पाए। कितना उन्होंने धन कमाया पर वो संतुष्ट नहीं थे, उनको और चाहिए था, और चाहिए था, और चाहिए था। वैसे ही इस भौतिक दुनिया का जीव जो है और मांगता रहता है पर तुष्टि नहीं होती, संतुष्ट नहीं होता है। तो संतुष्टि तभी आएगी जब हम आध्यात्मिक ज्ञान लेंगे। जब तक आध्यात्मिक ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे। दुनिया का ये व्यक्ति जो होता है वो हाँ भौतिक चीजों के पीछे भागता रहता है। उसको लगता है कि देखो आज 1 लाख का पगार है, कल 2 लाख का हो जाएगा मंथली, फिर 4 लाख, 5 लाख, कितना भी लो कमी पड़ता, संतुष्ट नहीं होता व्यक्ति, क्योंकि उसको भौतिक चीजों से आसक्ति और आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, है ना। और ये जो ग्रीड है ना, उसके कारण उसका व्यक्ति का जो संतुष्टि वो नहीं रहती, है ना। अत्याहार प्रयासश्च प्रज्वलो नियमाग्रह जनसंघश्च लोलम च षडभिर् भक्ति विनश्यति। ऐसे बोलते शास्त्रों में रूप गोस्वामी, अत्याहार करने से, अगर जितना हम अत्याहार करेंगे उतना हम अपने जीवन में सुखी नहीं हो सकते। आध्यात्मिक प्रगति के लिए अत्याहार अच्छा नहीं है। अत्याहार मतलब क्या कि मेरे पास 25 कपड़े हैं और मैं ऑफिस शॉपिंग जाके और 4 कपड़े लेके आता हूँ, जितना बेयर मिनिमम हमको चाहिए उतना हमने रखना चाहिए। बस अभी मेरे पास 3 बेडरूम है और मुझे 5 बेडरूम चाहिए, ये क्या हो गया, अत्याहार हो गया। जितना जीवन के लिए जरूरी उतना रखो और छोड़ो, है ना। ऐसे तो ये भी बहुत मुश्किल है एक्चुअली, जीवन करना भी बहुत मुश्किल है। कि कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं प्रभु जी ऐसा लगता है, बट बार बार इच्छा होती है मन में, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, कैसे करें। तो इसको अगर हम अच्छे से जपा करेंगे, अच्छे से सब कुछ प्रैक्टिस करेंगे तभी मुमकिन है, अदरवाइज अत्याहार करते रहेंगे तो इसलिए तुष्टि नहीं आएगी उससे। तुष्टि जितना है उसमें संतुष्ट होना, जैसे चाणक्य पंडित बोलते हैं तुम्हारी जो पति है पत्नी है जो भी मिले उसमें संतुष्ट हो, जितना भी पैसा मिले उतना संतुष्ट हो, जितना घर मिले उतना संतुष्ट हो, जैसे तुम्हारा शरीर का ये दिया है क्या बोलते हैं ढंग, उसमें संतुष्ट हो। ऐसा मत बोले कि मुझे और सुंदर बनना है, मुझे अच्छा पति चाहिए था, अच्छी पत्नी चाहिए थी, अच्छे बच्चे चाहिए थे, और बड़ा जॉब चाहिए था, नहीं, जो भी मिला है आपके कर्मों के अनुसार मिला, संतुष्ट रहो उसमें ही, संतुष्ट, किरकिर मत करो। मराठी में इसको बोलते किरकिर मत करो, मतलब बोला कि अरे ये नहीं है वो नहीं है, नहीं, शांत रहो, किरकिर मत करो। और ये संतुष्टि तभी पॉसिबल है अगर हम अच्छे से जपा करेंगे, अच्छे से भगवान की सेवा करेंगे, भक्तों की सेवा करेंगे और भगवान के बारे में कीर्तन सुने, तभी पॉसिबल संतुष्टि। अगला है तपस्या, ऑस्टेरिटी। तो हम जब आध्यात्मिक जगत में आते हैं, आध्यात्मिक भक्ति करना चालू कर रहे हैं, तो तपस्या होती है बहुत सारी। सुबह जल्दी उठने सबसे बड़ी तपस्या है, मैं खुद ही उसका क्या प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हमको आदत नहीं है। और एक स्केड्यूल बना के करना कि रोज 4 बजे उठना है बहुत मुश्किल है, कईयों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये तपस्या है, खासकर गर्मियों में, कोई भी मौसम हो सुबह जल्दी उठना है बहुत बड़ी तपस्या है ना। वैसे ही अगर उपवास करना है, जैसे पांडव निर्जल उपवास हुआ अभी रिसेंटली, तो उस दिन कुछ नहीं खाना था, कुछ पीना भी नहीं था, तो कई भक्तों के लिए बहुत कठिनाई है। और ये क्यों कर रहे हैं हम लोग, अध्यात्म में प्रगति कर पाए इसलिए। जपा करना भी एक तपस्या है, तोला माला करना और ध्यान इधर उधर ना भटका देना बहुत बड़ी तपस्या है, पर हमें अगर प्रगति करनी है तो तपस्या करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर हम देखते हैं भौतिक दुनिया में भी कई लोग क्या करते हैं, प्रगति करनी है तो वो तपस्या करते हैं, अपना फैमिली छोड़ के, सेहत छोड़ के बहुत काम करते हैं, तब जाके वो आगे बढ़ सकते हैं, है ना। तो तपस्या जरूरी है, पर हम तपस्या कर रहे हैं क्योंकि हमें आध्यात्मिक प्रगति करनी है इसी, है ना। तपस्या भी अलग अलग प्रकार की होती है, सब जैसे हमने चर्चा किया था पहले इस सेशन में, सत्वगुण में, रजोगुण में, तमोगुण में। सत्वगुण की तपस्या मतलब क्या, मैं खुद के लिए कुछ नहीं चाहता हूँ, सिर्फ आध्यात्मिक प्रगति चाहता हूँ। रजोगुण में तपस्या मतलब क्या, सबके सामने तपस्या कर रहा हूँ, देखो मैं आज कुछ नहीं खा रहा हूँ। देखो जैसे हमारे सोसाइटी में आता है मैसेज, जिस दिन उनका जैन लोगों का पर्यूषण होता है, तो उसमें कई लोग 7-7 दिन, 8 दिन, 1 महीना तक तपस्या करते, उनका एडवर्टाइजमेंट आता है
कि ये लोग एक महीना तक तपस्या कर रहे हैं, एक महीने तक कुछ नहीं खाने वाले, कुछ नहीं पीने वाले, वगैरह वगैरह, है ना। तो ये क्या हो गया, रजोगुण वाला तपस्या हो गया। और तमोगुण वाला तपस्या मतलब क्या, कि बिल्कुल ज्ञान नहीं है और वैसी तपस्या कर, जैसे भस्मासुर ने किया था, है ना, वो तपस्या तमोगुण वाली। तो कोई भी तपस्या जिसमें हमारा हेतु कुछ नहीं है, आध्यात्मिक प्रगति हेतु है, ये तपस्या ही हमको आगे लेके रखना है ना। और तपस्या भी हमने ऐसी करनी चाहिए कि जो शरीर को सूट कर सके। जैसे हमने देखा है कि अभी जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है तो उपवास करना और कुछ भी ना खाना, कुछ भी ना पीना बहुत कठिन है शरीर के। जितना शरीर को प्रॉब्लम नहीं है उतना ही हमने करना चाहिए, ज्यादा ज्यादा कष्ट भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें ज्यादा दिन रहना है और ज्यादा दिन भक्ति करनी है। जितना हम ज्यादा दिन रहेंगे उतना हम ज्यादा अच्छे से भक्ति कर सकते हैं, इसलिए हमें बैलेंस करना है। जैसे आपके शरीर को अगर 7 घंटे की नींद जरूरी है तो उतना हमने लेना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए कि 5 ही घंटे सोऊंगा मैं, नहीं। आपके शरीर के लिए जितना थोड़ा सा पिंच बैठना चाहिए। जैसे अगर रात में आपको 7 घंटे की नींद जरूरी है तो 7.25 घंटा ले लीजिए, 15 मिनट के लिए थोड़ा सा नींद आएगा दिन में, पर उतना ही पिंच होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए कि उसके कारण आपकी सेहत खराब हो जाए। तो इतना ही ऑस्टेरिटी या तपस्या करो जितना आपके शरीर को सूट होता है, ज्यादा मत करो और कम भी मत करो। कम करेंगे तो ही प्रॉब्लम है, ज्यादा करेंगे तो, इसलिए जीवन मतलब बैलेंस है। आध्यात्मिक जीवन भौतिक चीजों के साथ बैलेंस करना। उसके आगे है दान। दान भी ये तीनों मोड में आता है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। सत्वगुण दान मतलब मैं कुछ अपेक्षा नहीं कर रहा हूं, रजोगुण दान मतलब मेरा नाम आना चाहिए टेम्पल के उधर, एक बोर्ड था ना उधर, मेरा नाम आना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि मैंने दान दिया। तो लोगों को बताने का, तुमको पता है मैंने इतना इतना दान दिया मंदिर को, मैंने इतना इतना दान दिया उसको। तो ये क्या है, रजोगुण वाला दान है। और तमोगुण वाला दान कौन सा है, तमोगुण वाला दान मतलब किसी को भी दान दे दिया। रास्ते में एक भिखारी आ गया, उसको दारू पीना है, दान दे दिया। सिगरेट पीना है, दान दे दिया। ये तमोगुण वाला दान, बिना देखे किसी को भी दान दे दिया। इसके बारे में चर्चा किया था थोड़ा थोड़ा पहले सेशन में। तो और अगर हम देखेंगे सोसाइटी का नेचर, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य होते हैं। ब्राह्मण जो होते हैं वो खुद कुछ कमाते नहीं है, क्षत्रिय जो होते हैं वो सबको एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं तो इसलिए वो भी नहीं कमाते, सिर्फ वैश्य एक ही होता है जो कमाता है, पैसे कमाता है, और क्षुद्र उसको मदद करते हैं। तो वैश्यों का जो इनकम आता है उन्होंने ब्राह्मणों को सन्यासियों को देने के लिए, और वो भी ऐसे सन्यासियों को जो कृष्ण भावनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसे सन्यासियों को देना चाहिए, है ना। ये सबसे बेस्ट दान है, सत्वगुण वाला दान और विशुद्ध सत्व वाला दान बोल सकते हैं, जिससे हमारी भक्ति उन्मुख सुकृति बढ़ रही है, कम नहीं हो रही, भक्ति उन्मुख सुकृति बढ़ रही है। अगर हम कृष्ण भावना जहां बढ़ सके उसमें दान कर रहे हैं तो, अदरवाइज हमारा जो दान है बाकी फिर भौतिक दान बन जाएगा और हमें इस जीवन में वापस लेके आ जाएगा ऐसे, ठीक है। तो रूप गोस्वामी बोलते हैं कि हमने अपने इनकम का 50% देना चाहिए। आप बोलेंगे प्रभु जी 50%, 30-40% तो इनकम टैक्स वाले लेके आते हैं, अलग अलग प्रकार के टैक्स है, कॉर्पोरेशन टैक्स, वाटर टैक्स, सी वेस्ट टैक्स, एजुकेशन टैक्स, ये टैक्स वो टैक्स, उसके ऊपर आप बोल रहे 50%। तो जो भी हमारे हाथ में आए, आपका अगर सैलरी 100 रुपए है और आपके हाथ में 60 रुपए आ गए सब टैक्स निकाल के, तो 60% 60 रुपए में से जितना आपके फैमिली के लिए चाहिए और कुछ प्रतिशत आप अपने बैलेंस में रखिए, आपको कठिनाई में काम आएंगे, उससे जो भी बचता है 5% हो 10% वो अपने भगवान को देना चाहिए, क्योंकि उससे ही हमारा जो इनकम है वो प्यूरिफाई होता है। अगर हम दान नहीं करेंगे तो हमारा जो इनकम है वो प्यूरिफाई नहीं होगा, पैसे जो है प्यूरिफाई नहीं होंगे, पैसे गलत तरीके में यूज होंगे और उसका हमें पाप लगेगा। तो इसलिए हमने प्रयत्न करना चाहिए 5%, 10%, रूप गोस्वामी बोलते 50%, कहीं कहीं भक्त करते भी हैं, पर हमने धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, एकदम झटके से 50% नहीं देना है, 5%, 10% ऐसे करते 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 जितना हमसे हो सके उतना हमने करना चाहिए, ठीक है। ये हो गया दान। और लास्ट दो बढ़ते हैं, फेम एंड इनफेमी, उसको हिंदी में क्या बोला भगवान ने, यश और अयश। यश मतलब अभी देखते हैं कि इस दुनिया में भी हम कई लोग देखते हैं कि उनका वाह वाह होती रहती है, क्रिकेटर्स हैं, बॉलीवुड स्टार्स हैं, हॉलीवुड स्टार्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, अलग अलग प्रकार के लीडर्स हैं, पर ये जो यश है ये क्या है, ये यश बहुत टेम्पररी है ना। जैसे हम देखते हैं कि अगर क्रिकेट की मैच है
अगर हम इंडिया जीत गई तो सारे क्रिकेटर्स को सर के ऊपर उठा लेंगे, और अगर वो बुरी तरह से हार जाते हैं, रिसेंटली एक याद नहीं आ रहा, मेरे ख्याल से शुभमन गिल, मुझे अगर गलत नहीं बोल रहा हूँ, उसने सेंचुरी मारे और वो सामने वाला टीम हार गया, श्रवण नहीं है तो नहीं तो पता था आज की एग्जैक्टली कौन सा टीम था वो, तो उस टीम के एक सपोर्टर ने उसको सोशल मीडिया पे चैलेंज दिया कि तुमने मेरी टीम को हराया तो मैं तुम्हारा खून कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि यश जो होता है वो टेम्पररी होता है भौतिक दुनिया का, अगर आज किसी को सर के ऊपर चढ़ा के रखा है तो कुछ दिनों में उसको पैरों तले रोंद दे, ऐसा यश है इस दुनिया का। पर एक्चुअल यश क्या है? एक्चुअल यश ये है कि अगर कोई अच्छा भक्त बन सके, अच्छा कृष्ण का भक्त बन सके, वो सबसे अच्छा यश है। प्रभुपाद बोलते हैं कि यश मतलब जो अपने जीवन को सार्थक करे और किसी और का भी जीवन सार्थक करे। क्योंकि कई सारे राजा आके चले गए, कई सारे पॉलिटिशियन आके चले गए, कुछ सालों में सब कुछ भूल जाने वाले, पर अगर आप देखेंगे तो प्रहलाद महाराज कोई नहीं भूला, नारद मुनि को कोई नहीं भूला, हाँ, और जब भी स्वर्गों में जब भी अध्यात्म की चर्चा होती है तो प्रहलाद महाराज का नाम आता ही है, नारद मुनि का नाम आता है, क्योंकि वो चिरंतन का निरातन काल करी, इसलिए यश उनका जो है हमेशा चलता रहेगा, कभी भी खत्म नहीं होगा। एक भक्त का जो यश होता है वो भक्ति में होता है, तो भौतिक चीज का यश है वो खत्म होने वाला, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। ठीक है, तो हमने आज सारे गुणों को चर्चा कर लिया है, तो अगले सेशन से हम छठा श्लोक लेंगे और फिर आगे हम उसको कंटिन्यू करेंगे। कोई प्रश्न है किसी को? कोई प्रश्न नहीं है? रघु जी अपयश का भी हो गया क्या? यश का ही होता है ना? हाँ, तो प्रभुपाद बोलते हैं कि अपयश मतलब अपने जीवन को कृष्ण भावना ना करना, इसको अपयश बोलते हैं। ओके, हाँ, ईशोपनिषद में एक श्लोक आता है कि जो व्यक्ति अध्यात्म में कोई कार्य नहीं करता है वो अपने आत्मा को मार देता है, ही इज अ किलर ऑफ सोल बोलते हैं, आत्मा को मार दिया। इसका मतलब क्या है कि जो व्यक्ति अध्यात्म में अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाता है वो व्यक्ति खुद ब खुद सुसाइड कर रहा है, वो अपयशी बन गया ऐसे। तो यश मतलब भगवान भक्ति भक्त बनना, अपयश मतलब दुनिया में सब कुछ कर लिया बट कृष्ण का नाम नहीं है ना, तो उसका जीवन अपयशी हो गया। थैंक यू माता जी याद दिलाने के लिए। और कोई प्रश्न है किसी का? तो आप लोग देख सकते हैं कि अपने ग्रुप में व्हाट्सएप में फोटो आया है, सारे भक्त जो सेवा कर रहे हैं उनके उनको जो तुष्टि मिली है, उनके जो चेहरे पे मुस्कान दिख रही है, क्यों दिख रही है? क्योंकि वो भगवान की अहित की सेवा कर रहे थे आज ऐसे। ठीक है, यस प्रभु जी, आज का मतलब दिन बहुत अच्छे से गए। हरे कृष्ण हरे कृष्णा। तो अगर कोई प्रश्न नहीं है तो हम ये विराम देंगे, अगले सेशन मोस्ट प्रोबेबली हमारे फिजिकल रहेंगे, तो प्लीज प्रयत्न की जाने का, ठीक है, और ऑनलाइन में रहेगा। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद प्रणाम, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम, हरे कृष्णा।